ओए 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 ओ बेटी मुझे हाथ मत लगाओ। तो मेरे से शादी क्यों की थी फिर? खा रहा हूं कसम, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आ गया ना पाना। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारी भाभी जी की तबीयत खराब हो गई है आज। अभी मैं और अमित आए थे जिम से। अब भाभी बोलती कि मेरे लिए यार कोई चाय बना दो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब अमित भैया को चाय बनानी आती नहीं है। मम्मी जी बना रही है हमारे भरे में परांठे, तो अब मैं बनाऊंगा चाय। ये ले लिया जी हमने दूध। क्या हो गया, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? शक्ल पे दिख रहा है कि बुखार उखार सब हो गया आपको एक साथ। आपको नजर लग जाती है भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है। अब ये बताओ, चाय कड़क सी बना दूं एकदम अदरक वदरक डाल के, इलायची विलायची या कैसी? नहीं, हल्की हल्की अदरक हल्की इलायची। अब तुम फटाफट से ऐसी बढ़िया चाय बना के लाऊंगा, आपकी तबीयत ना ऐसी हो जाएगी भागी डोलोगी पूरे घर में इधर से उधर, सीढ़ियां नाप दोगी पूरे घर की। ला रहा हूँ। अच्छा गोली खानी है, अभी ला रहा हूँ। तो अभी हम डालेंगे ये अदरक और ये इलायची, और तुम्हारा भाई डालता है इसमें सीधा, और जो यूं बैठता है जमीन पे यूं। और अगर मैं चाय की दुकान खोल लूँ ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, एरिया के चाय वालों का बिजनेस बंद कर दूंगा 2 मिनट में। और मैं पता क्या करता हूँ, अदरक ना मतलब पानी में नहीं उबालता, सीधा दूध डाल के उसमें ही पत्ती लगा देता हूँ। उससे क्या है ना, टेस्ट बढ़िया रहता है, मुझे ऐसा लगता है। ये डाल दी मैंने अदरक और इलायची। और ये प्लेन पराठा बनाया मम्मी ने भाभी जी के लिए। टंटान लीजिए अपना चाय और पराठा। चाय पराठे वाले तबियत को भूल जाओ, चाय पी लो। कड़क चाय भाभी, आपका दिल खुश हो जाएगा। बढ़िया बना के लाया एकदम, थोड़ी ठंडी कटोरी ले आऊं ठंडी करने के लिए। अमित कहाँ गए थाने? आराम से खा के अपना गोली वोली खा लो, ठीक है? आराम करो, रेस्ट करो आज अच्छे से, ओके? ओहो भाई, प्यार हो रहा है, केयर हो रही है, क्या बात है भाई, वाह। ये तो मैंने आज पहली बार पकड़ा दोनों को भाई, वाह। हीटर चला के ओहो ओम फू। यार एक बात बताओ, हाँ। भाई बीमार तो हम भी पड़े हैं, हाँ। सर में दर्द तो हमारे हुआ, हाँ। कभी हमारा सर तो इतने प्यार से नहीं दबाया तुमने। देख रहे थे इसका है भाभी, आप नहीं दबाने दोगे, अब मुझे पता है क्या? अरे भाई दबा दो। हाँ। दबा दो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो दबाना चाहिए भाई, हाँ, तो तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैं तो नहीं शर्मा। ओले देखो 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 कितना प्यार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे भैया भाभी जी के बीच में कितना प्यार है, अटूट प्यार, भरपूर प्यार। और मैंने जो चाय बना के पिलाई है वो नहीं दिखती कि भैया कितने अच्छे हैं। तो पैर तो तू ही सही दबाता जो, ठीक है? पैर नहीं दबाता मैंने, कब दबाए? अच्छा वो जो चढ़ के मसाज करता हूँ भाई, उसमें तो मजा आता है। हम में से किसी की टांग में दर्द होता है ना, एक जना चढ़ के यूं करता है। विनय भाई वो करने में एक्सपर्ट। ये देखो तुम्हारे भाई का भाई साहब। आज मैं और अमित जा रहे हैं चांदनी चौक, क्योंकि भाभी जी के लिए लेके आनी है चांदनी चौक से रिंग लाइट, क्योंकि भाभी जी रील बना सके सुंदर सुंदर अपनी, क्योंकि रिंग लाइट से क्या ना शक्ल थोड़ी सुधर जाती है ना भाभी? वो तो मेरी अच्छी है। और एक हमारे जिम के दोस्त हैं, उन्हें शेरवानी भी लेनी है, तो चलते हैं हम। और अमित भाई आ चुके हैं ऑटो लेके, हम जा रहे हैं ऑटो में चांदनी चौक। यही भाई है जिनकी शादी है। ये देखो भाई वाह, हमने सोचा क्यों ना आज ऑटो में जाया जाए, ऑटो में जाने का भी अपना मजा है। और ये कूलर की छींटे पड़ते हुए हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक। और यहाँ भीड़ देख के समझ नहीं आ रहा कुछ फ्री में बट रहा है क्या सीन है। ये देखो इतनी भीड़ हो रही है, ये देखो। और ये बकरा तैयार हो चुका है अपना। अब ले लें एक रिंग लाइट, और रिंग लाइट लेके निकल चुके हैं घर। गेट खोलो। कौन है? खोलो गेट। हमारे घर कचरा खत्म हो गया। कचरा खत्म हो गया? सबसे बड़ा कचरा तो अंदर ही है। नहीं कचरा नहीं है, सॉरी। रिंग लाइट लेके आए आपके लिए, खोलो। कचरा खत्म हो गया भाई, चोर आ गए चोर। देखो रिंग लाइट के नाम कैसे गेट खोल दिया इन्होंने, चोर आ गए चोर। हैं? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? ये मत बताना क्या है, दिखा देना क्या। नहीं इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, उसका क्या करूंगी छोटे से? उसके लिए, इसकी सेटिंग के लिए बता दो ना। मेरी सेटिंग के लिए, इनकी सेटिंग के लिए। यस माय सेटिंग के लिए, आपके लिए रिंग लाइट, मेरी सेटिंग के लिए। सेटिंग गई भाड़ में। हां क्यों गई भाड़ में? हां बड़ी सेटिंग। क्या चाहिए आपको यार, दिखवा दो। लड़कियों में चल होती है। हाँ वही तो, मतलब भाई साहब जो मेरे हाथ में गिफ्ट लग रहा है, मतलब ये मेरे हाथ में लग रहा है, इन्हें ये देखना है। मतलब इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, कम है। जो अपने काम की चीज है उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इस छोटी सी चीज से मतलब है कि क्या है। हम यहाँ हारे थके आए, कम से कम पानी तो पूछ लेती। मैं बीमार हूँ। अच्छा, मैं बीमार हूँ, आप मुझसे पूछ रहे थे गोली खा ली? हम क्यों पूछते, हम बाहर गए हुए थे, बिजी थे, गोली पूछते। आप ये बोलते पानी लाऊं मैं? अच्छा, मतलब चांदनी चौक से पानी देता है यहाँ पे? अरे हाँ यार, दे दो, देना हो तो क्या है, ये बाल से छपा। पहले सेल लेके आओ, जाओ। बड़े वाले सेल हैं? नहीं, जब सेल आ जाएंगे ना तब दिखाऊंगा। चलो, अगर नहीं है तो मैं ले आऊंगा सेल। यार बाबू दिखवा दो। दिखवा दो बाबू, देख लो, दिखवा दो, क्या है इसमें। अरे ये लो, क्या है ये? अरे नॉर्मल कंघा है ये रहा। अच्छा, वो ले आया। हाँ। ये छोटा है कंघा, छोटा है ये। मेरे बाल तो बहुत बड़े दिखा ना, ये दिखने में ऐसे ही लग रहा है ना। अरे बड़े वाला लेके आते हैं, इतना बड़ा वाला तो जो। अब जब बड़े वाले सेल लेके आऊंगा तब दिखाऊंगा इन्हें। और भाभी जी बना रही है, क्या बना रहे हो? सैंडविच। सैंडविच, इसमें बन रहे सैंडविच। ये देखो क्या क्या भरा है इसके अंदर। मैंने बोला था पनीर ज्यादा डाल देना। गोबर। गोबर? आप गोबर खाते हो? गोभी मैं नहीं खाऊंगी। एक आपका, एक अपने भैया। गोबर आप ही खा लेना, गोबर का। सुअर हो गई तबीयत ठीक है? सुबह तो ऐसे उठती, भैया मेरे से ऐसा होना चाय दे दो। अब क्या हो गया, अब तो बड़ी जीभ चल रही है। बाबू देख लो कैसे मजाक बना रहे मेरी बीमारी का। गोलियां खा ली, गोलियां खा ली, हो गई ठीक। ओ ओ, एक्टिंग एक्टिंग देखो, चक्कर आ रहे हैं ना, एक्टिंग देखो। ओ वहां से गई है, चिमनी लग गई सर में। सर में चिमनी लग गई, कोना लग गया, मतलब ये वाला। वो तालियां बजा रही है उनका, देखो बेशरम। सैंडविच खा ले हम तो। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज है अगला दिन और इसमें लगा दिया मैंने सेल। अब देखो, पकड़ो भाभी, क्या अब बताता हूँ मैं क्या है ये। करंट करंट तो ना मारेगा। इसके अंदर एक जादुई कमाल। अरे रुको, मैं पहले लग रही है यार। इन्हें देखो, इनकी हरकत देखो जरा, दिखाना फोरहेड पे क्या करा है। ये देखो, बाल स्ट्रेट कर रही थी, स्ट्रेट नहीं, रोल करना सीख रही थी। रोल करना सीख रही थी, माथा जला लिया देखो, या चिपका दी देखो। ये कंघा है जादुई, ये सर्दी ला रहा है। इससे तुम बाल भी काट सकते हो और मसाज भी होती है। देखो तो सही, अरे देखो तो सही, देखो। अच्छा नहीं है ये, देखो मतलब अपने बाल भी काटो और साथ की साथ मसाज भी। और देखो इसमें ना दांत से भी बना रखे हैं, जैसे मसाज करनी हो अपनी, जैसे यहाँ गर्दन पे चला लो या यहाँ चला लो। कहाँ से लाए हो इसको? हम इसे लेके आए चांदनी चौक से, 80 रुपए में। 80 रुपए में? 80 रुपए का है बस। किसको पागल बनाया है सच में। स्ट्रेट भी हो जाते हैं इससे। स्ट्रेट भी हो जाता है। हाँ स्ट्रेट हो जाता है, गंजा भी हो जाता है इससे। हो ना आपको, दिखाओ गंजा करूँ। इसमें बटन है, ये रहा, इसमें वो बटन देना है, यहाँ से होता है ना गंजा कर देता है जो। एक मिनट, हाँ आओ गंजा करो। आपको करूं। हाँ तो। और इन्हें देखो अलग ही ठंड लग रही है, हीटर चला के बैठे अकेले। मजा नहीं। आज वैसे भी दिल्ली में ठंड हो रही है, बारिश भी हो गई आज। अब दे दो ये, इसे अपने एक बार दिखाओ तो सही है। क्यों? इसके साथ समुद्र दूर वाली सेटिंग के लिए लाया है। हाँ, इसे पार्सल कराऊंगा मैं। 80 रुपए का प्रोडक्ट है, डिलीवरी में 10,000 की होगी अमेरिका में सीधा। हाँ। अमेरिका भेजूंगा सीधा, 10,000 रुपए लगेंगे और प्रोडक्ट 80 रुपए का बस। सही में भेजेगा? मैं तो ना दूं। मैं तो ना दूं, क्यों ना दूं? इनकी एक्टिंग देखो, एक्टिंग कोई इनकी तोड़ दिया। कितनी सारी गर्लफ्रेंड है, किनसे दोगे? मेरी एक गर्लफ्रेंड है बस, लाओ दो, जो अमेरिका में रहती है। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है एलियाना। एलियाना कुछ भी सोचिए बोल रहे। लेडी बॉय। लेडी बॉय पे तो ले लिया, फाइनली ले लिया मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये। अमित भाई वैसे एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी भी थी पहले, भाभी थी इनकी भी गर्लफ्रेंड? सच में? नहीं थी मेरे बाबू। अजी हाँ, आपको क्या पता थी या नहीं, हमें पता है, हम साथ रह रहे हैं बचपन से। बाबू एक थी, बताना स्टोरी बताओ। अमिता इधर देखो मेरी तरफ। स्टोरी बताओ इन्हें पूरी। एक थी सही में, आपने तो कभी नहीं बताया। कॉलेज टाइम पे थी यार, याद से क्यों दिला दी उसकी विनय। है ना, मुझे भी याद आ गई यार उसकी। बताओ, फोटो दिखाई थी ना। विनय ने तो देखी थी, मिला था, ऐसे बोलती थी विनय से, विनय आप ये खाओगे, ये खाओगे है ना मेरे। हाँ। बहुत अच्छी थी वो, कॉलेज में थी मेरे। हाँ। तो घर से खाना वाना भाई लेके नहीं जाता था। हाँ। तो मेरा वेट करती थी, मेरे लिए खाना लेके आती थी। हाँ। खुद से बना के, और वो उसमें रहती थी पीजी में। तो फिर भाई मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसे पीजी में रहती है। मैंने फ्लैट लिया उसके लिए एक। हाँ हाँ किराए पे खरीदा थोड़ी, मतलब हमने उसके लिए फ्लैट में लिया था। और सुनो भाभी सुनो, तो तुम तो घर में रहती हो, वो गर्लफ्रेंड थी, उसे घर थोड़ी ला सकता था, पढ़ती थी। सुनो 3 BHK फ्लैट ले रखा था और फुल फर्निश्ड। अब सुन तो लो, फुल फर्निश्ड, उसमें मतलब सारी चीजें थी, फ्रिज व्रिज सारी चीजें एकदम फुल फर्निश्ड। उसके लिए लिया फ्लैट। अब घर पे जाता मैं ये बोल के कि पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। एक बार मुझे भी ले गए थे। और भाई वहाँ फ्लैट पे जाके मस्त रहता, वो पार्टी करते थे वहाँ। सुनो इतना प्यार करती, अपने हाथों से खाना खिलाती, कपड़े धोती मेरे, और सुनो मुझे जैसे पढ़ाई में समझ में नहीं आता तो समझाती कि बाबू ये ऐसे होगा। बाबू बोलती थी वो। और सुनो सुनो सुनो, सच्ची बता रहा हूँ, कभी कभी जब तुम बाबू बोलती हो ना तो याद तो आ जाती है मुझे निधि की। आप भाभी आप तो क्या बाबू बाबू करते हो, मुझे याद है वो आखिरी दिन जो थी, मैं इमोशनल हो जाऊं यार। पता क्या हुआ था उस दिन, कॉलेज का आखिरी दिन था, तो उसके पापा मतलब उसे बाहर भेज रहे थे भाई, अब तो कनाडा भेज रहे थे। जो एयरपोर्ट पे गया था मैं उसे छोड़ने, है ना, इतने गले लगी थी मेरे, इतना रोई थी, छोड़े ही ना। सब मतलब छुड़ा रहे उसे, सारे सब कुछ। विनय भी था, तुमने बताते एयरपोर्ट के। हाँ, हाँ। एयरपोर्ट के बाहर ही जब रोई थी, मतलब उसके तो सच्ची है, तो मैं कब कह रहा हूँ झूठ है, उसके पापा भी छुड़ा रहे। और सुनो सुनो भाभी सुनो, ऐसा नहीं है ये उसे प्यार नहीं करते थे सिर्फ वो करती थी, ये भी पूरा पूरा करते थे। सुनो ये जैसे शादी क्यों की थी फिर, तो फिर वो चली गई ना पढ़ने, उसके बाद से फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप नहीं, ऐसे ही हो गया यार, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। देखिए ये टप टप आंसू, देखिए ओए 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 ओ बेटी, हाथ मत लगाओ। अबे कौन दीदी, मैं मजाक कर रहा हूं, कोई नहीं है, आंख मार रहा था इसलिए। ओए तुम लक लक तुम लक लक, मैं तुम्हारी कसम, कसम से इसके सर की कसम, कोई नहीं दीदी, कोई कॉलेज नहीं। यही तो स्टाइल होता है। अरे रो रहा है कोई तो। भिंडी थी। और भाभी के साथ हो चुका है एक खतरनाक प्रैंक। अब तूने करवा दी हमारी कली पूरी। तो मैंने क्या, एक बात बताओ, नहीं अब इस पे पता क्या होगा, ये अभी खत्म नहीं हुई कलेश, अब ये पूरी रात में झेलूंगा, अभी बार बार ये होगा, जाओ निधि के पास, जाओ उसके पास। भाई एक्स की बात कर रहे थे, मैंने अमिता को आंख मारी, इन्होंने नहीं था। भाभी सुनो ना, ना नहीं नहीं, कसम से, कसम से नहीं, कोई सच्ची में है, जब तुम्हारी कसम बाल खराब कर दिया मैंने, कर लिया था लो, कर ली। भाभी एक बात बताओ सुनो, अब आप रो गए ना तो इन्होंने झूठ का नाम ले दिया, सच था ये। अरे एक एक बात सच है। आपके सर पे हाथ रखूं बताओ, कहो तो रखूं, हैं रख दूं सर पे हाथ, पक्का ना, लो ऐसे बोलो ये सच था। आपके सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, आपके सर पे रख के हाथ वो खा रहा हूँ कसम, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोल नहीं रहा आगे, मतलब झूठ है ना, दिमाग तो लगाओ। तो बीवी भाई लोगों को बता रहा हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर, मतलब बॉयफ्रेंड क्यों कह रहे, बॉयफ्रेंड मतलब क्या भैया, नहीं नहीं क्या क्या, एक सेकंड, क्या क्या एक घूंसा पड़ गया ना मुंह पे, वो तो आप हो ही लड़की, और आप क्या हो, मैं लड़की, मैं लड़की। मतलब भाई गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में हम नहीं पड़े, अपना ये पढ़ाई पे ध्यान दिया, कमाई पे ध्यान दिया, सारा टाइम यूं ही निकल गया। हाँ सिर्फ मैंने ध्यान दिया है काम पे, छोरियों पे। मैंने तो छोरियों पे, अब वो कंगा खाए वो दे क्या दे, छोरियों, मैंने छोरियों का काम विनय को छोड़ दिया कि मेरे हिस्से का भी यही कर ले। भाभी सुनो, अमित भैया करते थे काम वाम, मैं अमित भैया से यूं कहता था, अमित भैया जरा एक पेमेंट कर दो और तेरी फुल मौज, ऐसे करते थे, मस्त घूमा फिरता था मैं, बताया ना ये। अरे नहीं तुम्हारी कसम सब। अरे निधि है, सुनो इनके पर्स में देख लो, फोटो पड़ी है निधि की, और बताओ पर्स, अमित भैया का पर्स चेक हो रहा भाई। अमित भाई का पर्स चेक हो रहा अब। ओ भाई मिल जाए तो बता देना। हमसे कुछ है तो नहीं है? नहीं। कभी सही में किसी लड़की की फोटो मिल गई? किसकी निकलेगी? एक फोटो मिल गई है, एक फोटो मिल गई। जरा दिखाओ किसकी है, ये तो दिखाओ कि जो मिली है वो दिखाओ पहले। नहीं दिखाऊंगी, मेरी है वो तो। दिखाओ पहले जो फोटो। अरे दिखाओ ना यार। देखो भाई ये फोटो मिली है, ये तो मेरी। अब ये फोटो मिली है तो बहुत पुरानी है, मेरी, ये ज्योति की। और ये फोटो देखो, ये मिली है भाभी की और ये मेरी। ओहो अच्छा, ये वाली भी थी उनके पर्स में। अब देखो कितना प्यार करते हैं आपसे, फालतू की बातें बनाते रहते हो आप। अमित भाई की फोटो मिली है, कह रही है उसके साथ भाभी सुनो कार्ड दी उसकी, वो भी थी साथ में। कार्ड दी हाँ, पासपोर्ट साइज में कार्ड दी होगी, इतनी तो कर ली है तुम्हारे अंदर। उसके साथ खिंचवाई होगी, याद रख रखी होगी। सुनो इधर देखो भाभी, ये ऐसा लग रहा बिल्कुल नील पड़ गया। अमित भाई ने मारा है क्या? सच बताओ। नहीं अमित भैया ने मेरी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू सबको, राम राम जी। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हम बढ़िया बढ़िया व्लॉग लाते रहेंगे। और अभी कुछ ही दिनों में हम लोग बाहर भी घूमने जा रहे हैं, तो आपको बेहतरीन बेहतरीन अलग अलग बढ़िया तरीके के व्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाल रोल करके। और 10 फरवरी का विनय का बर्थडे भी है, 10 फेब का मेरा बर्थडे भी है। तो जो गिफ्ट भिजवाना चाहे मुझे भिजवा सकते हो। बाय बाय, लव यू।